गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 के न्यू ITR फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। हालांकि ये पोर्टल पे अभी लाइव नहीं हुए, जैसे ही ये पोर्टल पे लाइव होंगे आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी और उस वीडियो में हम लाइव बताएंगे कि आपको अपना ITR कैसे फाइल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी वो वीडियो हमारे साथ देखें तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि जैसे ही हम वो वीडियो अपलोड करें तो आपकी उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ITR बनने की लास्ट डेट क्या है। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी 18-19 की ITR फाइल कर दीजिए। जिन लोगों ने भी अभी तक अपनी ITR फाइल नहीं की है या किसी को रिवाइज करना है तो उनके लिए भी ये आखिरी मौका है अपनी ITR को रिवाइज करने का। उसकी डेट भी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। तो साथ ही इस वीडियो में हम बताएंगे कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20 की लास्ट डेट क्या है। और साथ ही इस वीडियो में हम बताएंगे कि ऐसी कौन सी इनकम है जो आपको शो करनी चाहिए और मैक्सिमम लोग अपनी ITR में इस टाइप की इनकम शो नहीं करते हैं, तो उन लोगों को भी ये इनकम शो कर लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये सारी जानकारी लेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ, लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर 2021 की लास्ट डेट क्या है। तो गवर्नमेंट ने 13 मई 2020 को अनाउंस कर लिया था कि ITR फाइनेंशियल ईयर 19-20 की क्या डेट होने वाली है। तो ये डेट 30 नवंबर 2020 तक बढ़ गई है। तो आपके पास सफिशियंट टाइम है कि अपनी ITR फाइल करने का, तो आप जो भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जैसे फॉर्म 16 और अपने बैंक स्टेटमेंट वगैरह आप रेडी कर लीजिए, डाटा तैयार कर लीजिए। जैसे ही हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप फाइल कर सकते। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि बिजनेस पर्सन के लिए लास्ट डेट क्या है, सैलरीड पर्सन के लिए क्या है। तो लास्ट डेट सबके लिए 30 नवंबर ही है, पर यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऑडिट की लास्ट डेट 30 नवंबर नहीं है, ऑडिट की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2020 है। तो जिन लोगों का भी ऑडिट होता है तो वो 31 अक्टूबर 2020 तक अपना ऑडिट करा लें और 30 नवंबर 2020 तक अपनी ITR फाइल कर दें। हालांकि आप अपनी ITR 31 मार्च 2021 तक भी फाइल कर सकते हैं, पर वो ITR बिलेटेड ITR मानी जाएगी और बिलेटेड ITR फाइल करने के अपने कुछ नुकसान हैं। तो उन नुकसान में से सबसे पहला नुकसान यही है कि आप अपनी ITR बिलेटेड फाइल कर रहे हैं। आप अपनी ITR सेक्शन 139(1) में नहीं, सेक्शन 139(4) में फाइल करेंगे तो वो बिलेटेड ITR मानी जाएगी। और दूसरा बड़ा लॉस ये होने वाला है कि लेट फी जो उसमें लगेगी अंडर सेक्शन 234(f) में, वो 1,000 से लेकर 10,000 तक की आपको लेट फी लगेगी उसमें, अगर आप 30 नवंबर 2020 के बाद ITR अपनी फाइल करेंगे। तो इसको जान लेते हैं कि 1,000 से लेकर 10,000 तक की लेट फी कैसे लगती है। अगर आपकी इनकम फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 5 लाख या 5 लाख से कम है और आप अपनी ITR 30 नवंबर से 31 मार्च के बीच भरते हैं तो आप पे 1,000 रुपी लेट फी लगेगी। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी एक्सीड कर जाती है और आप अपनी रिटर्न 31 दिसंबर से पहले पहले फाइल करते हैं तो आपको 5,000 की लेट फी लगेगी। और अगर आप 31 दिसंबर तक भी अपनी रिटर्न फाइल ना कर पाएं और इसके बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं 31 मार्च तक, तो आप पे 10,000 तक की लेट फी लगने वाली है। तो आप समझ जाइए, आप अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर दीजिए, आपके पास अभी बहुत सफिशियंट टाइम बचा हुआ है, तो इतने बड़े नुकसान से आप बच सकते हैं। अगले लॉस की मैं बात कर लेता हूं कि आपको अपने बिजनेस के लॉस, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस या कैपिटल गेन के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का मौका नहीं मिलेगा अगर आप अपनी रिटर्न बिलेटेड फाइल करते हैं, मींस लेट फाइल करते हैं। 30 नवंबर के बाद अगर आप अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा। और चौथा, आपको सेक्शन 234(a) में इंटरेस्ट भी पेड करना पड़ेगा। तो इन सारे लॉसेस से आप बच सकते हैं, तो आप अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर दीजिए और इन सारे लॉसेस से बच जाइए। और आगे बात कर लेते हैं, आखिरी मौका है आपके पास अपनी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न फाइल करने का, जो पहले 31 मार्च 2020 थी बिलेटेड फाइल करने का, पर लॉकडाउन होने के कारण गवर्नमेंट ने इसे 3 महीने का एक्सटेंशन और दे दिया है। तो आपको ये आखिरी मौका मिला है अपनी पुरानी रिटर्न, अगर आपने फाइल नहीं की है 18-19 की रिटर्न फाइल नहीं की है, अगर फाइल की है और उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं तो उसको सुधारने का भी ये आखिरी मौका है। तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए,
क्योंकि ये आखिरी मौका है, इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 18-19 की डेट नहीं बढ़ने वाली है। साथ ही बता देता हूँ, अगर आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो क्योंकि ये रिटर्न बिलेटेड रिटर्न मानी जाएगी और आपको इसमें 1,000 से लेकर 10,000 तक की पेनल्टी लग सकती है, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि 1,000 से लेकर 10,000 की पेनल्टी किसको लगती है, जिनकी इनकम 5 लाख से कम हो उन पे 1,000 रुपये की पेनल्टी, और जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो, 1 रुपया भी ज़्यादा हो, तो उन पे 10,000 की पेनल्टी लगनी श्योर है। पर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ उनके लिए होने वाली है जिनकी इनकम 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है। अगर वो अपनी ITR फाइल करना चाहते हैं तो वो बिना इंटरेस्ट, बिना लेट फी, बिना पेनल्टी के अपनी रिटर्न अभी भी फाइल कर सकते हैं। उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। जिनकी इनकम 2.5 लाख से नीचे, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे जिनकी इनकम है, उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप उसका फ़ायदा अभी भी उठा सकते हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए और जल्द से जल्द अपनी ITR फाइल कर दीजिए फाइनेंशियल ईयर 18-19 की। और ये बहुत बड़ा मौका उन लोगों के लिए भी होने वाला है जिन लोगों ने अपनी ITR में कुछ गलतियां कर दी हैं, या कुछ इनकम शो करनी रह गई हैं, या कोई अमाउंट गलत एंटर कर ली है। तो उन लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए भी है कि आप लोग अपनी रिवाइज ITR फाइल करके उस गलती को सुधार सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आगे बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी इनकम है जो हर एक टैक्स पेयर को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करनी ही करनी चाहिए। बहुत सारे लोग गलतियां कर लेते हैं, इनमें से जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इस इनकम में से भी कुछ इनकम वो हाइड कर लेते हैं या शो नहीं करते हैं, सोचते हैं कि ये छोटी मोटी अमाउंट है या फिर इस अमाउंट का कोई रेलिवेंस नहीं है, तो इसको क्या शो करना है। तो आप ऐसी गलती ना करिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी में। सैलरी में तो सैलरी हम फॉर्म 16 के अनुसार जो सैलरी आती है उसको तो शो करते ही हैं, आपको परकिजिट्स भी शो करने चाहिए। अगर आपको सैलरी के अलावा कोई बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, अपने कंपनी की तरफ से, तो आपको उनको भी शो करना चाहिए। इंसेंटिव मिलता है कोई आपको, अगर आपको लीव इन्केसमेंट मिलता है, अगर आपने कोई भी छुट्टी नहीं लिया और उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है कंपनी की तरफ से, तो उसको भी ITR में शो करना पड़ेगा आपको। अगर आपके मेडिकल के खर्चे आपके एम्प्लॉयर ने उठाए हैं आपके बिहाफ में, तो आपके लिए ये आपकी इनकम है, तो आपको भी इस चीज़ को शो करना पड़ेगा। हालांकि इसमें कुछ डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगी, वो एक सेपरेट इश्यू है, पर आपको हर एक इनकम जो भी मैंने आपको बताई वो सारी इनकम आपको शो करनी जरूरी है। दूसरी बात कर लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी में भी कई लोग अपने घर में किराएदार रखते हैं, दुकान को किराए पर दे देते हैं, तो इस टाइप से भी जो इनकम होती वो ITR में नहीं शो करते हैं। तो ऐसी इनकम को भी आपको अपनी ITR में शो करना चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, अगर आप कोई भी पर्सन है, तो इस टाइप की इनकम को भी आपको अपनी ITR में शो करना चाहिए। तीसरा है बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन में नॉर्मली सारे लोग अपना सारी इनकम शो कर देते हैं, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास बताने के लिए है नहीं। चौथी बात मैं करूँगा कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन में बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन बेचते हैं, अपना मकान बेचते हैं, घर बेचते हैं, और उस चीज़ को वो अपनी ITR में शो नहीं करते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। कई लोग कहते हैं कि हमने अपनी एग्रीकल्चर इनकम की है, तो आपको वो अपनी एग्रीकल्चर इनकम अगर एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट वाले सेक्शन में शो करनी है, आपको छोड़नी नहीं है, ब्लैंक नहीं छोड़नी है, आपको प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न में उस अमाउंट को शो करना है। कई लोग अपने खास रिश्तेदारों को जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट बेच देते हैं, तो उनको लगता है जब हमने जमीन ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिली, हमें कोई कंसिडरेशन ही नहीं मिला, तो इसमें इनकम टैक्स होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारे लिए तो ये इनकम ही नहीं है। पर ये गलत धारणा है, तो आपको उस चीज को भी अपनी ITR में रिपोर्ट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम चांसेस में ये टैक्सेबल होता है। तो आपको इस तरीके की कोई गलती नहीं करनी है। अगर आपने शेयर एंड बॉन्ड्स भी बेचे हैं या उनसे भी कोई इनकम आई है, तो आपको इसको भी रिपोर्ट करना जरूरी है। और लास्ट है अदर सोर्स। अदर सोर्स में बहुत सारे लोग ये गलती जरूर करते हैं कि उनके एक से अधिक सेविंग अकाउंट होते हैं, किसी में कम रुपए होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, तो वो सोचते हैं कि जिसमें कम है उसकी उसमें कोई इंटरेस्ट 100-250 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसको क्या शो करना है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। जितने भी आपके अकाउंट हैं सब में देखना है कि कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कोई अदर इनकम आ रही तो वो भी शो करनी है आपको ITR में जरूरी है। अगर FD से इंटरेस्ट आ रही है, अगर RD से इंटरेस्ट आ रहा है, या पोस्ट ऑफिस से आ रहा है, अगर आपकी कोई लॉटरी लगी है, हॉर्स रेसिंग में आपने कोई इंटरेस्ट कमाया है, अगर आपको किसी कंपनी से डिविडेंड मिला है, अगर आपने इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं,
और प्लांट एंड मशीनरी आपने रेंटल पे दे रखी, तो उससे अगर कोई इनकम आता है तो आपको अपनी ITR के अदर सोर्स हेड में शो करना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर लेते हैं कि फैमिली पेंशन को वो ITR 1 में शो करके सैलरी हेड में शो कर लेते हैं, तो उनको सैलरी हेड में नहीं अदर सोर्स हेड में शो करना है, क्योंकि फैमिली पेंशन अदर सोर्स का पार्ट माना जाता है। तो ये सारी इनकम थी जो हर किसी पर्सन को, हर किसी टैक्स पेयर को अपनी ITR में शो करना मस्ट है। और अब न्यू ITR की बात कर लेते हैं। तो न्यू ITR के फॉर्म 29 मई 2020 को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए हैं, और इसमें देख लेते हैं छोटा सा चेंजेस है, और इसमें एक दो चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ। आपको ये तीन चीज़ें रिपोर्ट एडिशनली करनी पड़ेंगी इस बार पिछली बार की ITR के कंपेरिजन में। अगर आपने एक या एक से अधिक करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये जमा कराए हों, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये एक या एक से अधिक करंट अकाउंट में अपने जमा कराए हों, तो आपको यहाँ पे उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और सेकंड है, अगर आपका कोई फॉरेन ट्रिप लगा है, फॉरेन ट्रेवल किया आपने, उसमें 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का अगर आपने एक्सपेंडिचर किया है, तो आपको उस चीज़ को भी यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा यस नो के थ्रू। और तीसरा है, अगर आपका बिजली का एक्सपेंस, बिजली का बिल फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा का आया है, तो उसको भी आपको यहाँ पे यस नो के थ्रू रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा चेंजेस था। और दूसरा चेंजेस ये है कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन होने के कारण इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट या पेमेंट की जो डेट है, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी डेट 30 जून तक बढ़ा रखी है। अगर आप कोई 80C में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 30 जून तक आप उस इन्वेस्टमेंट को करके इनकम टैक्स में डिडक्शन पा सकते हैं। तो आपको इस हेड में सेपरेटली वो शो करना पड़ेगा कि आपने 1920 फाइनेंशियल ईयर 1920 में कितनी इनकम इन्वेस्ट की है, वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, कौन सी सेक्शन में डाली है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डालना पड़ेगा। और 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक कौन कितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की है और कौन से सेक्शन में की है, वो आपको इस हेड में डालना पड़ेगा। तो ये एक चेंज है जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन होने के कारण ITR के फॉर्म में किया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू।